अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं बहुत ही मैं आप लोगों के लिए चटपटे से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब आप कहेंगे कि पुलाव और चटपटा, तो जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार चटपटा पुलाव होता है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट रेसिपी आप लोगों को लगेगी और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट लगेगा। तो इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप इनको बीफ में भी बना सकते हैं। यहाँ मैं 1.5 किलो गोश्त यूज़ कर रही हूँ, 1 किलो चावल के लिए आप 1 किलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गोश्त जो है पतीले में डाल दिया है और उसके अंदर हम डाल देंगे पानी, इतना पानी डालें कि गोश्त उसमें अच्छे से आपका गल सके, और नमक डाल दिया। और यहाँ पर पोटली बनानी है जिसके लिए हमने सौंफ, सूखा धनिया, दालचीनी, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और बादियान का एक फूल, इनकी हमने पोटली बना ली है। इसकी पोटली हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि सौंफ और सूखा धनिया पुलाव में जब मुंह में आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो है इसका भी पोटली से रस निकलेगा और गोश्त के अंदर सारा जायका बैठ जाएगा। तो जब तक वो यखनी बन रही है उसको 90% हमने गलाना है। यहाँ पर हमने तेल डाल दिया और सबसे डिफरेंट जो चीज़ आपको भी लगेगी वो ये है कि तेल में हमने इमली डाल दी। इमली के साथ हमने 1 अदद नींबू के स्लाइसेस डाल दिए हैं और ये इमली तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। और इनको तेल में अच्छे से फ्राई करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देना है। अब ये वो खड़े मसाले हैं जो हम चावल के अंदर सामने से ही डाल देंगे, इसको हम पोटली में नहीं डालेंगे। ज़ीरा, बादियान का फूल, काली मिर्च, बड़ी इलायची और ये चीज़ें हम लोगों ने सामने पुलाव में ऐसे ही डाल देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था चटपटा सा पुलाव हम बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ले लिए। और हरी मिर्चें चटपटे पुलाव में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हरी मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे 3 से 2 टेबल स्पून तक तकरीबन, मतलब जितना आपको स्पाइसी खाना हो। तो जैसे ही टमाटरों का पेस्ट बन जाएगा उसके अंदर हमने बॉईल किया हुआ गोश्त डाल देना है। ये गोश्त मैंने 80 से 90% गला लिया है। गोश्त की यखनी मैंने साइड पे रख दी है, तो ये गोश्त हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। भूनने के लिए थोड़ा सा मैं लो फ्लेम पे इसको ढक्कन लगा के पका रही हूँ ताकि जो है टेस्ट एक दूसरे में अच्छे से आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से दम पे रखा, तो गोश्त हमारा भून चुका है। अब हमने मज़ीद क्या करना है कि जो यखनी हमने बना के रखी हुई थी वो यखनी हम इसमें डाल देंगे। अगर हमारी यखनी इतनी है कि इसमें हमारे चावल पक सके तो फिर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं चावलों के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 20 से 25 मिनट भीगे हुए चावल रखे थे, उसमें हम लोगों ने वो हमने इसमें डाल दिए और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें चाइनीज़ नमक भी डाल दिया। आप इसमें चाहें तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, तो वो हम डाल देंगे। और गर्मा गर्म हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। और जैसे ही पुलाव का पानी आपका सूख जाए, तो ये देख सकते हैं जैसे ही इसका पानी खुश्क हो गया था हमने इसको दम पे लगा लिया और गर्मा गर्म मज़ेदार सा हमारा जो है पुलाव रेडी हो चुका है। आई होप आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही सिंपल रेडी होता है लेकिन यूनिक है, मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। मैंने ख़ुद भी इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैं तो इसकी फ़ैन हो गई। तो आप भी ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो गर्मा गर्म हमारा पुलाव रेडी है, इसको अभी हमने रायते के साथ सर्व करके खाना है, इंजॉय करना है। आप भी इंजॉय करें। बाय बाय।